Hello friends, today we'll start third lecture of ICT. In the two lectures, first two lectures, we learn about tools of ICT. We'll continue in this lecture also. In this lecture, we will try to complete computers, their history and their hardware, software related problems, supercomputers, quantum computer, viruses and all other peripherals and related current affairs related to computers. And the next portion we complete here is generations of mobile phone and technologies. So this is very important and very new topics which is required in ICT. So let's start it. So computers kya hota hai? Ye aapko sabko pata hai, sabke ghar pe computers hai, mobile phones hai. To computer ko jo banaya gaya tha, ye town planning ka concept ko leke banaya gaya tha. टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर यहाँ से आया। इसमें ऐसे ही सारे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि बूट, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, बूटस्ट्रैप लैडर एंड सम एक्स्ट्रा टर्म्स। ये सारे टर्म्स जो होते हैं ना, वो टाउन प्लानिंग कॉन्सेप्ट से लिए गए, इसीलिए कंप्यूटर में ऐसे ऐसे टर्म्स। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर जो बनाया गया था 1970s में बना हुआ था पहला एनालॉग कंप्यूटर, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत स्लो था और हार्डली ये सिंपल काम को मिली सेकेंड्स में करता था पर सैंपल्स। 1980s में पहला डिजिटल कंप्यूटर आया 80s के अंदर, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो एनालॉग फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब एनालॉग फंक्शन, इसको परफॉर्म नहीं कर पाता। एनालॉग फंक्शन के लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर चाहिए होता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1990s में हम लोग का फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर आया, जहां पे एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिक्सचर था। एनालॉग फंक्शन डिजिटल फंक्शन दोनों यहां पर किया जा सकता। साथ ही साथ 1990s में पहला इंटेल ने अपना प्रोसेसर लॉन्च किया था। प्रोसेसर लॉन्च करने के बाद जो स्पीड है वो एब्रप्टली चेंज हो गया था, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। इसका प्रोसेसिंग पावर जो होता है, इसको पहले काउंट किया जाता था एबिलिटी टू परफॉर्म एज मैनी नंबर ऑफ स्विचेस टुगेदर इन अ साइकिल। पहले स्विचेस के टर्म में काउंट किया जाता था। अब ये स्विचेस क्या होता है, ये याद रखना, एक स्विच का मतलब होता है दो फंक्शन, और आठ ऐसा स्विच मिला के एक बीट बनाता है। तो आठ स्विच में कितना सारा फंक्शन हो जाएगा, 8 × 2 = 16 फंक्शन। अब हमको क्या पता है कि 1/8 bits बराबर होता है 1 byte। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा 1 byte में कितना स्विच होता है या कितना फंक्शन होता है, आप निकाल सकते हो कि 8 bit में कितना सारा हमारा, 8 bit में हमारा कितना सारा फंक्शन होता था। यहाँ देखो 1 bit में हमारा 16 फंक्शन होता था। तो हम लोग बोल सकते हैं 8 × 1 bit और 1 bit में 16 फंक्शन, सो 8 × 16 फंक्शन, ये हमारा होता है 1 byte में इतना सारा फंक्शंस। इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं। सो ये एक सिंपल सा कन्वर्शन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। 1 switch = 2 function, therefore 8 switches = 1 byte and 1 byte 8 bits = 1 byte। सो 1 byte में कितना सारा फंक्शन होता है, तो 8 byte में कितना सारा फंक्शन। सो सारे जो कंप्यूटर्स हैं, छोटे कंप्यूटर्स हो या बड़े कंप्यूटर्स हो, इवन सुपर कंप्यूटर्स हो, वो इसी सेम डिजिट्स, बीट्स और बाइट्स पे काम करते हैं। तो ये हम लोग का बहुत फंडामेंटल नॉलेज हो जाता है, आपको बीट्स एंड बाइट्स इसके बारे में पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारा प्रोसेसर को पैरेलली लगा लिया जाता है, और पैरेलल पाइपलाइनिंग एक टर्म है, उसके थ्रू कंप्यूटिंग होता है। जैसे कि अभी हम लोग के पास ऑक्टा कोर, क्वाड कोर कंप्यूटर है, इवन मोबाइल फोन है, इसका मतलब क्या होता है, दो प्रोसेसर अगर है तो उसको हम लोग कहते हैं ड्यूअल कोर प्रोसेसर सिस्टम, अगर 8 processor है इसको हम लोग ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, ऐसे मिलियंस ऑफ प्रोसेसर को टुगेदर ऐड कर दिया जाता है। सोचो हमारे मोबाइल फोन में क्वाड कोर है, अगर सुपर कंप्यूटर में ऐसे मिलियंस प्रोसेसर साथ में कॉम्बाइन कर दिए जाते हैं, तो उसका स्पीड आप सोचो कितना ज्यादा हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होता है कि हीटिंग, बहुत ज्यादा
इतने सारे प्रोसेसर्स अगर साथ में काम करेंगे तो चिप बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। तो इस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग गैलियम आर्सेनाइड चिप यूज करते हैं, जो कि काफी महंगा होता है। बेसिकली हम लोग सिलिकॉन का चिप यूज किया जाता है। ओके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूर्स लॉ। मूर्स लॉ कंप्यूटर के नॉलेज में भी है, इसके अलावा ये आईसी टेक्नोलॉजी का फैब्रिकेशन में भी मूर्स लॉ काम में आता है, और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। तो पहले मैं बता दूं कि आईसी टेक्नोलॉजी के केस में मूर्स लॉ क्या बोलता है। मूर्स लॉ के अनुसार आफ्टर एवरी 2 ईयर्स नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन अ चिप इन अ आईसी चिप इज डबल। तो हर 2 साल बाद ट्रांजिस्टर जो होता है आईसी चिप में डबल हो जाएगा, और यही ट्रेंड अभी भी फॉलो हो रहा है और इसको ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है और ऐसा ही हो रहा है प्रैक्टिकली। सो अगर आप सोचो कि हर 2 साल बाद अगर डबल होते जाएगा तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब इंसान स्टक हो जाएगा, उससे ज्यादा आईसी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब है, देन क्वांटम कंप्यूटर्स है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सो इसी चीज को नीचे देखिए, कंप्यूटर्स के सेंस में कैसे बोला जाता है कि नंबर ऑफ बीट्स आर कॉन्स्टेंट इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। ये हम लोग को पता है कि बीट जो हो सकते हैं वो मैक्सिमम कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज 2 to the power का फॉर्म है ये, 2 to the power 8, 2 to the power 128, ये मैक्सिमम मेरा फिक्स्ड है। लेकिन हम लोग कंप्यूटिंग जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर। तो इसको देख के उन्होंने जो लॉ दिया है मूर्स लॉ का, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मूर्स लॉ एवरी सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ डाटा बिकम डबल, जो कि मैंने कहा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर चिप में डबल होता है फैब्रिकेशन के केस में, एंड इट रिड्यूसेस द बीट अवेलेबिलिटी बाय हाफ। अगर नंबर ऑफ डाटा डबल होगा तो बीट जो अवेलेबल बचा है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2024 तक। बाय 2024 नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड विल बी मोर देन द बीट्स अवेलेबल and that will crash the computing world completely। इसी वजह से हम लोग क्वांटम कंप्यूटर एक बहुत ही फेमस टॉपिक बन गया है। सो क्वांटम कंप्यूटिंग हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग है, जहाँ के कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग यूज करते हैं क्वांटम फिजिक्स का और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों को कॉम्बाइन करके हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो चलो आ जाते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स होता क्या है। तो क्वांटम कंप्यूटर प्रिंसिपल पे काम करता है, बहुत सिंपली अगर हम बोले कि हम लोग फंडामेंटल जानते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 या 12 में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, कि कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना एक्सिस पे या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लोरिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर कर दूं, सो 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p5। यहाँ हम लोग ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते थे, अगर याद आ रहा होगा आपको, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पिन रहता था उसका ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग को एक डिजिट की तरह काम में लगाया जाता है, अपस्ट्रीम को 1 या 0 पकड़ लो या फिर डाउनस्ट्रीम को 1 एंड 0 पकड़ लो और उसका ऑपोजिट वाला उल्टा पकड़ेंगे। सपोज अपस्ट्रीम को अगर मैं 1 पकड़ रहा हूं तो डाउनस्ट्रीम उस वक्त हम लोग का 0 हो जाए। सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वांटम कंप्यूटर्स बनाया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि क्वांटम कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पावर है वो 2 to the power के फॉर्म में नहीं बढ़ता, ये एक्सपोनेंशियल है, e to the power बढ़ता है एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते जाता है। और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होने की वजह से हम लोग का नंबर ऑफ बिट्स का जो प्रॉब्लम है स्टक खत्म हो जाने का, वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा ही क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो एक सिंगल चिप क्वांटम कंप्यूटिंग होता है, एक सिंगल चिप जो होता है वो बिलियन ऑफ फंक्शन एक साथ कर सकता है। तो हमारा सुपर कंप्यूटर का जो नीड है वो भी खत्म हो जाएगा अगर क्वांटम कंप्यूटर्स अवेलेबल हो जाए। तो ये आप समझ लो कि हर एक मोबाइल फोन सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हर क्योंकि सुपर कंप्यूटर का साइज जो बनेगा क्वांटम कंप्यूटर से वो एक छोटे से मोबाइल फोन के तरह होगा। और अभी का सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रखे जाते हैं, बहुत सारे रूम्स लगते हैं उनके लिए, तो अब सोचो कितना इजी हो जाएगा कंप्यूटिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिटेल पॉइंट्स दिया हुआ, जैसे कि फंक्शंस इन्वॉल्विंग प्राइम नंबर
वेरी वेल वेरी फास्ट इंटरनेट थिंग्स क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी एबल टू एनी एनालाइज द बिग डाटा। बहुत बड़ा बड़ा डाटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं। थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाते हैं। सो क्वांटम कंप्यूटिंग में डिजिटल बिट्स और बाइट्स जो होता है इसको हम लोग दूसरे तरह के बिट से कन्वर्ट करते हैं जिसको कहते हैं क्यूबिट। क्यूबिट का फुल फॉर्म होता है क्वांटम बिट्स। नॉर्मल जो बिट्स या बाइट्स थे वो क्वांटम बाइट्स से कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनर्जी काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग का, और इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग का जो एनर्जी होता है ये इफेक्ट नहीं होता है किसी क्वांटा पार्टिकल से, इसीलिए ये एक्यूरेट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एनर्जी एट क्वांटा लेवल डज नॉट इफेक्ट द क्वांटा पार्टिकल्स, ठीक है। देयरफॉर डाटा ऑब्टेन्ड एंड एनालाइज्ड थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी मोर एक्यूरेट। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, यहाँ पे और लिखा हुआ है। क्वांटम कंप्यूटर यूज सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट सुपर कंप्यूटर्स। तो ये दो टर्म क्या होते हैं ये हम लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है और इंटेंगलमेंट क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा और सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर बिलियंस ऑफ वर्ड जो हमारा फंक्शंस होता है इसको कुछ सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है। वो फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसका रेट ऑफ चेंज जो होता है 1/billionth ऑफ अ सेकंड होता है। तो आप सोचो कितने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। ऐसे बिलियन फंक्शन को ये कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकता है। ऐसे ह्यूज डाटा को एनालाइज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। इसी वजह से सुपर कंप्यूटर को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन वाले जगहों पे यूज किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर, मिसाइल लॉन्चिंग, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब चीजों में इसका यूज होता है, या फिर हाई एनर्जी पार्टिकल का स्टडी करने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये जो डाटाज है बहुत ह्यूज डाटा प्रोड्यूस होता है और एनालाइज करना पड़ता है इनको। तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, ये चाइना के पास है, पहला दोनों चाइना के पास है। इसका नाम है तैहू लाइट जो है हम लोग का दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो चाइना का है। इसका स्पीड है 93 पेटाफ्लॉप्स। व्हाट इज पेटाफ्लॉप्स? पेटाफ्लॉप्स का मतलब होता है 10^15 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग पर सेकेंड। 10^15 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग पर सेकेंड, इसको पेटाफ्लॉप बोला जाता है। सोचो 93 पेटाफ्लॉप होता है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट। सेकेंड में भी आ जाता है चाइना का ही, ये हो जाता है हमारा टाइनी 2, ये 33 पेटाफ्लॉप्स होता है इसका। इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है सर्क क्रे, जिसका स्पीड सिर्फ 0.9 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को कहाँ रखा गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च कोलैबोरेशन अंडर द प्रोग्राम NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के अंडर इसको रखा। इसके अलावा इंडिया का कुछ और सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है आदित्य CRAY, इसका स्पीड है 0.56 पेटाफ्लॉप्स। इसको यूज कहाँ किया जाता है? इसरो में। इसको आदित्य मिशन के लिए यूज किया गया था, इसीलिए इसका नाम आदित्य है। इसके अलावा परम युवा 2 जो सीडेक में है, इसका स्पीड है 0.5 पेटाफ्लॉप्स। इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड के लिए रखा गया है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अराउंड 20-30 ईयर्स इस डाटा को कंप्लीट करने में लगता है। इस सुपर कंप्यूटर परम 2 को यूज करके हम उसे 2-3 ईयर्स में डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। इंडियन सुपर कंप्यूटिंग सफर्स आफ्टर 1998 न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। सुपर कंप्यूटर का ट्रेड जो है वो इंडिया में अमेरिका के साथ बहुत होता है, इसी वजह से बंद कर दिया था अमेरिका ने। तो इंडिया ने डिसाइड किया 2000 में कि ये अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाएगा, और इसका डिसीजन लिया गया था सीडेक में। इसके बाद 2008 तक इंडिया ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया था, इसको हम लोग कहते हैं CRAY।
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नेशनल इनोवेटिव काउंसिल का पार्ट है, उसमें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का फॉर्मेशन किया गया और इसका टारगेट ये था कि 80 सुपर कंप्यूटर्स को 2030 तक बना दिया जाए। याद रखना कितने सारे सुपर कंप्यूटर्स को बनाने का टारगेट था, 80 सुपर कंप्यूटर्स को बनाने का टारगेट था 2030 के अंदर। इसमें से कुछ तो बन चुका है हम लोग का और ये कुछ टॉप 500 में काउंट भी होता है, दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में काउंट किया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट सुपर कंप्यूटर्स। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही और फेमस टर्मिनोलॉजी को लेके जो है बिटकॉइंस। इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये बहुत फेमस है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, अगर कोई ट्रेड करता है या करना चाहता है वो समझता होगा। सो बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक ऐसा करेंसी जिसको हम लोग इनक्रिप्ट कर सके, जिसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल हो, इसके ऊपर कोडिंग लगा दिया जाए, ठीक है। इसको फिजिकली ये अवेलेबल नहीं होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ऐसे नहीं कोई करेंसी मिलता है हाथ से। ये एक तरह का वर्चुअल करेंसी है जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन को लिमिटेड रखा गया। कंप्यूटिंग वर्ल्ड में 2 to the power 128 जो है, इससे ज्यादा बिटकॉइंस नहीं हो सकते, ठीक है, इससे ज्यादा बिटकॉइंस नहीं हो सकते। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको हमको फिजिकली कैरी नहीं करना पड़ रहा है, किसी बैंक का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसके अलावा किसी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना मुझे इसको प्रिंट करना पड़ रहा है और ना ही कोई ऐसा है कि अपने पास लेके छुपा के रख पाए, तो ब्लैक मार्केटिंग भी इसका नहीं हो सकता। इसका शुरुआत जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। 2010 में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये आइडिया स्टार्ट किए कि डिजिटल करेंसी स्टार्ट किया जाए, इस डिजिटल करेंसी को वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके डिमांड जैसा जैसा होगा वैसे वैसे उसका सप्लाई किया जाए, और हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो बिटकॉइन का वो एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, इसीलिए इसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रांजैक्शन नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसके बाद कुछ कंट्री में जैसे कि जापान जो है इसको लीगलाइज कर चुका है, इतना ज्यादा इसका डिमांड बढ़ रहा है, इतना ज्यादा इसका पॉपुलैरिटी हो रहा है कि जापान जैसा कंट्री इसको लीगलाइज कर दिया है 2017 में, अप्रैल महीने का 2017 में, आप याद रखना, इसको जापान जो है वो लीगलाइज कर दिया। लेकिन इसका ट्रांजैक्शन को लेके अभी भी बहुत सारे विवाद छिड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ओरिजिनल आईडी ऑफ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी फाइंड आउट, कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका आईडी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इसी वजह से फेक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे ट्रांसफर किया जा सकता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको 1 अप्रैल 2017 को बिटकॉइन को इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज, हम लोग का देश जैसा है यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए या इलीगल ट्रांजेक्शन के लिए इसका यूज किया जा सकता, तो ये देश का सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए इसको इलीगल घोषित कर दिया गया। इसके अलावा जो बिटकॉइन का वैल्यू होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है और बहुत फास्ट रेट से वैरी करता रहता है, इसीलिए इसका पॉसिबल ब्लैक मार्केटिंग के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। कोई अगर स्मार्ट बंदा है वो किसी और को बेवकूफ बना के इसको ब्लैक मार्केटिंग की तरह यूज कर सकता। इसके अलावा बिटकॉइन जो होता है इसका बहुत लार्ज वैल्यू होता है, तो ट्रेड को संभालने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर डिनोमिनेशन जो है वो बिटकॉइन का, उसको अगर हम लोग लॉन्च कर दें तो फिर ये मे बी एक पॉसिबल वे आउट हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है, स्मॉलर डिनोमिनेशन ऑफ बिटकॉइन वॉज लॉन्च्ड कॉल्ड एज सतोशी, बट स्टिल इट इज नॉट ऑलवेज कॉन्वीनियंट फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ कॉइन्स। ये लॉन्च किया गया था बट अभी भी इतना नहीं है। इसके अलावा आपको पता होगा रैंसम वेयर के बारे में, जो कि 2017 में बहुत फेमस एक आफत आया था जो कि बिटकॉइन के वजह से हुआ। सो इन 2017 व्हाट हैपेंड, रैंसम वेयर
Wancre demanded ransom in the form of Bitcoin. Therefore, it cannot be found out original ID in which Bitcoin transaction took place. हर देश से पैसे मांगे जा रहे थे ransom किस Bitcoin के तौर पे, और वहां के सारे computers को hack कर लिया गया था, इसको ransomware का नाम दिया गया था. So ये Bitcoin कहाँ जाएगा, कौन इसको ले रहा है, हम लोग उसको पकड़ भी नहीं सकते. So ये एक बहुत बड़ा इसका problem है. और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि लिटकॉइन है, लेकिन वो सारे पॉपुलर नहीं हुए जितना बिटकॉइन हुआ. इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, ये आप याद रखें. सो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स टर्म बताया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि सुपरपोजिशन, दो टर्म मैंने बताया था ऊपर उसको, सुपरपोजिशन एंड इंटैगलमेंट. सुपरपोजिशन का मतलब आपको पता है कि एक ही वक्त पे मल्टीपल स्विच कैन बी फंक्शन सेम स्पेस में, उसी स्पेस के अंदर मल्टीपल स्विच फंक्शन कर सकता है. और इंटेगलमेंट का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट सिस्टम प्रोड्यूसिंग सेम रिजल्ट. तो ये दोनों ऑपरेशन जो है वो सुपर कंप्यूटर में होता है, एक ही स्पेस में एक से ज्यादा फंक्शंस काम कर रहा है और दो डिफरेंट सिस्टम जो है एक ही रिजल्ट निकाल सकता है. इन दोनों को आप मर्ज कर दो तो ये सुपर कंप्यूटर का बेसिक फंडा है. क्वांटम कंप्यूटर्स में ये दोनों चीज यूज होता है. अब हम लोग आते हैं थोड़ा नया टॉपिक जो है साइबर वर्ल्ड. साइबर वर्ल्ड जो है 2000 ईयर में हम लोग का स्टक्सनेट बोल के जो नेम है, बहुत ब्रांड है, इसने साइबर वॉर स्टार्ट कर दिया. साइबर वॉर क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड जो होता है वो हम लोग का रियल वर्ल्ड के पैरेलल चलता है और हम लोग इस पर डिपेंडेंट. फर्स्ट टाइम जो है साइबर वर्ल्ड को नोटिस किया गया था स्टक्सनेट्स जब लॉन्च किया था ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को, पूरा एक वायरस के थ्रू खत्म कर दिया गया. तो ये एक तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम हुआ था जो कि पूरा ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया था. ईरानियन पावर ग्रिड सिस्टम जो है वो कंप्लीटली एंड इफेक्ट हुआ था. 50% ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड भी इफेक्ट हो गया था इसके वजह से, जिसके वजह से यहां से बर्थ हुआ था मेलवेयर्स का. यहीं से इस साइबर वॉर के बाद हम लोग को पता चला था कि मेलवेयर्स क्या होते हैं. सो मेलवेयर क्या होते हैं, मेलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ बुरे सॉफ्टवेयर जो जिसका रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर, इनका रिजल्ट नेगेटिव होता है. तो कितने तरह के मेलवेयर्स हो सकते हैं, एक के बारे में आप लोग जानते हो जिसको कहते हैं हम लोग वायरस. वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना जरूर, वायरस का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज. वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज. डे टू डे लाइफ में वायरस जो होता है वो स्प्रेड करता है कंप्यूटर से कंप्यूटर के थ्रू वाया सम कॉन्टेक्ट, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो सकता है, एक से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, इससे हो सकता है, ये ईमेल से आ सकता है या किसी मैलिशियस वेबसाइट को विजिट करने से आ सकता है, ये सारे इसके वजह होते हैं. ये तब तक काम नहीं करता है, वायरस तब तक आपको इफेक्ट नहीं करता है जब तक कि आप उस मैलिशियस प्रोग्राम को डाउनलोड ना करके आप क्लिक ना कर, ये इसका एक बात. वायरस जो है सॉफ्टवेयर को इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम या कोई आपका जो डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है उसको बर्बाद कर देता है. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाना पड़ता है. एंटीवायरस दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑफलाइन एंटीवायरस, एक होता है ऑनलाइन एंटीवायरस. ऑफलाइन एंटीवायरस जो होता है वो सिस्टम सिक्योरिटी फीचर का काम करता है, जबकि ऑनलाइन जो होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम. मतलब आप ऑनलाइन अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो या कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो उसको चेक करता है कि आप क्या साइट विजिट कर रहे हो, वो साइट में वायरस है या नहीं है, इसका काम करता है. तो एंटीवायरस अगर आप जब भी खरीदो तो आप ये याद रखना कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी अच्छा एंटीवायरस होता है. इसके अलावा वॉर्म्स क्या होते हैं, सो वॉर्म्स जो होता है वो एक तरह का बैड प्रोग्राम है जिसको किसी कॉन्टेक्ट होने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप फैलता रहता है कंप्यूटर वर्ल्ड, और ये हार्डवेयर को भी इफेक्ट कर सकता है और सॉफ्टवेयर को भी इफेक्ट कर सकता है, जबकि वायरसेस जो होता है वो हमारा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करता है. इसीलिए वॉर्म्स जो होता है वो
वायरस से ज्यादा डेंजरस होता है, ये याद रखना, दे आर मोर डेंजरस देन वायरस। वॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जिस प्रोग्राम के वजह से वॉर्म्स आया है उसको हम लोगों को कंप्लीटली डिलीट कर देना पड़ता है या फिर पूरे कंप्यूटर को हम लोग को फॉर्मेट करना पड़ता है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है हमारा ट्रोजन, ये नाम भी आपने सुना होगा अगर कभी कंप्यूटर फॉर्मेट वगैरह करते हो या एंटीवायरस यूज किए हो। ट्रोजन्स क्या है, ट्रोजन एक तरह का प्रोग्राम है जो गुड लुकिंग है, जो दिखता है कि ये काम का फंक्शन है, लेकिन कभी कभी ये एक बैड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये और भी ज्यादा डेंजरस है, क्यों, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इट हैज नो इफेक्ट टूल्स अगेंस्ट इट। कोई भी ऐसा अभी तक हमारे पास टूल नहीं है, एंटीवायरस नहीं है जो ट्रोजन्स के अगेंस्ट काम कर सके। और ट्रोजन्स का जो नंबर है वो भी बहुत ज्यादा टाइप का होता है, इसीलिए स्पेसिफिक कोई टूल्स बनाया भी नहीं जा सकता कि पर्टिकुलर ट्रोजन को पकड़ो और उसको डिस्ट्रॉय करो, इसी वजह से ये और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ये जनरली कैसे आते हैं, आप इसको ध्यान से सुनना और इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। अगर आपको कभी ऐसा मेल आए कि आपको कोई लॉटरी मिल गया है, ठीक है, या फिर कोई फ्री एंटीवायरस आप ले लो, या कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आप फ्री में मिल रहा है, तो इनके फॉर्मेट में ट्रोजन्स जो है वो हमारे कंप्यूटर में चले आते हैं, या फिर कोई हीवी डिस्काउंट प्रोडक्ट मिल रहा है उन सबके। ट्रोजन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट 2015 का फैक्ट ये है कि बीबोन वायरस बोल के एक ट्रोजन जो है वो बहुत फेमस हुआ 2015। ये एक ट्रोजन था लेकिन नाम यहाँ पे वायरस पड़ा है। ये कैसे अपीयर होता था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि ये अपीयर होता था, लिखा रहता था रिमूविंग बीबोन वायरस। आप इसको बीबोन वायरस को रिमूव करने के लिए इसको डाउनलोड करते थे, लेकिन ये रिटर्न में आपको बीबोन वायरस डाउनलोड कर देता, लेकिन ये सीक्रेटली जो है वो डाउनलोड कर देता है सॉफ्टवेयर। और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी का 9,000 करोड़ का लॉस हुआ था बाई हैकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक, बहुत ही मेलिशियस सॉफ्टवेयर। इसके बाद चौथा नंबर जो है हमारा वो है स्पेवेयर। स्पेवेयर का क्या काम होता है, ये भी एक प्रोग्राम है दैट डाउनलोड इन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, अपने आप डाउनलोड हो जाता है। एंड ये क्या करता है, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन जो है वो होस्ट कंप्यूटर को सेंड करना स्टार्ट कर देता है, मतलब एक स्पाई की तरह काम करता है, एक निगरानी रखने वाला की तरह काम करता है। आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा और आपका सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपी कर करके भेजता है। इसके अलावा एक होता है एडवेयर, ये बहुत फेमस होंगे आप हर रोज, ये क्या होता है, एक कंपल्सरी एड जो है वो आपके कंप्यूटर में रुक जाएगा, पॉपअप करते रहे, ठीक है। सो दीज आर कंपल्सरी एड दैट अपियर एज अ पॉपअप विंडो एंड विल विंडो कैन नॉट बी रिमूव्ड, ओनली वे टू रिमूव इट इज कोल्ड कोल्ड बूटिंग, फिर सिर्फ ऑन ऑफ करो, रिस्टार्ट करो, देन ये रिमूव होता है, वरना ये आपका ब्लॉक करता रहेगा, ये फ्री में ऐड देता रहेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको एडवेयर कहते हैं। नेक्स्ट द वेरी फेमस इज रैंसमवेयर। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया आपको, रैंसमवेयर क्या है, ये एक तरह का क्या है, प्रोग्राम है दैट इनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन फाइल्स और प्रोग्राम विथ अ टाइमर ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इट डिमांड रैंसम फॉर द डिक्रिप्टिंग द फाइल। करता क्या है, आपका मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट फाइल है आपके कंप्यूटर में, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट फाइल है, रैंसमवेयर क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब आप इसको ओपन नहीं कर पा रहे हो, आपके कंप्यूटर में ही फाइल है लेकिन आप ओपन नहीं कर पा रहे। आप जब इसको ओपन करने जाओगे तो आपको एक विंडो आएगा, वहां पे बोलेगा कि अगर आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हमें इतने पैसे दीजिए, तब हम आपको इसको ओपन करने देंगे, वरना ऑलरेडी ये 3 मंथ के अंदर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो रैंसम, रैंसम मतलब डिमांड, आपसे पैसा मांग रहा है डिक्रिप्ट करने के लिए। और ये 2017 में पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया था, इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया है। रैंसम मांग रहा था 38,000 रुपया का इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन पर फाइल, एक एक फाइल के लिए 38,000 रुपया मांगा जा रहा था। तो एक्चुअली ये बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा था, इसलिए कोई कंट्री इतना दे नहीं पाया और ये फ्लॉप हो गया। अब आज हम लोग आ जाते हैं कुछ साइबर स्कैम के बारे में जानते हुए। सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग का मतलब होता है ये एक तरह का स्कैम है जिसमें हम लोग फेक लॉटरी वगैरह निकाला जाता है, उस फेक लॉटरी के वजह से या हेवी डिस्काउंट प्रोडक्ट दिखाकर हाईली सेंसिटिव
इंफॉर्मेशन जो है जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर पासवर्ड वगैरह ले लिया जाता है। तो इस तरह के स्कैम को कहा जाता है फिशिंग। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है विशिंग। विशिंग में क्या होता है, कॉम्युनल वायलेंस जो होता है, जिस तरीके से व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, सोशल फेसबुक पे ऐसे ऐसे आपको मैसेजेस या वीडियोस भेजे जाएंगे जिससे कि हम लोग का देश का पीस जो है वो दाव पे लग जाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्युनल वायलेंस को स्प्रेड कर, इसको कहते हैं विशिंग। तो ये था हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का डिटेल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर का डिटेल्स। सो कंप्यूटर हार्डवेयर में तीन बेसिक पार्ट होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, देन होता है आउटपुट डिवाइस, एंड देन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर जो है आउट वर्ल्ड से इनपुट लेता है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से इनपुट लेता है। इसमें कीबोर्ड होता है, ये वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है। माउस जो है वो दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल माउस या ऑप्टिकल माउस। इसके अलावा OCR एंड MICR, ये क्या है डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ALU आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी दो तरह का, रैम रोम जो प्राइमरी होता है या सेकेंडरी, इसमें फ्लॉपी, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश डिस्क वगैरह होता है, ठीक है। इसके अलावा होलो स्टोर होता है, ये सब है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर होता है, मॉनिटर LCD हो सकता है, LED हो सकता है या टच स्क्रीन हो सकता है। प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स हो सकते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर हो सकते हैं, इंजेक्ट हो सकते हैं या 3D प्रिंटर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारा डिटेल है जिसको हम लोग को और डिटेल में स्टडी करना है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, जैसे कीबोर्ड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, सो इसमें इतना डिटेल्स मुझे कुछ पढ़ाने का नहीं है। वायरलेस हो या फिर वायर्ड कीबोर्ड हो, इसका सबसे अच्छा बात ये होता है कि हम लोग को स्क्रीन से बहुत दूर रह के भी काम किया जा सकता है, जिसके वजह से हम लोग का आई के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं आता है। इसके अलावा माउस जो होता है, पहले दो तरह का होता था, एक होता है हेवी बॉल माउस और उसके बाद आया हमारा ऑप्टिकल माउस। तो ये जो बॉल माउस होता था वो क्या होता था, सरफेस डिवाइस था एक तरह, मतलब सरफेस पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में इसका मूवमेंट को देख के हम लोग का जो कर्सर था वो मूव करता। इसके बाद इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस मेरा है तो वहां पे उस माउस को मैं रोटेट नहीं कर पाऊंगा, उससे कोई आउटपुट नहीं, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद ऑप्टिकल माउस जो आया, ये बहुत स्मॉल, बड़ा नहीं होता था, बहुत छोटा होता है उस साइड का और उसका वेट भी बहुत कम होता था। और ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन है वो करता है, ये मल्टीपल पिक्चर्स लेता है सरफेस का एट द सेम टाइम, और जिसके वजह से माउस का जो मूवमेंट है वो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये इमेज को देख के उस कर्सर को मूव करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्रिक्शनलेस सर्फेस पर भी काम कर सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है ORC, ये इंपॉर्टेंट है। ORC है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दो तीन तरह के होते हैं, सबसे पहला बारकोड जो हम लोग फैमिलियर हैं, QR कोड एंड होलोग्राफिक स्टोरेज। बारकोड के बारे में आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, बारकोड क्या होता है, ये होता है डार्क लाइंस अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, इस तरीके का बारकोड होता है, थिक और थिन लाइन का मिक्सचर होता है अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का बार। इसमें क्या होता है, बहुत ये 13 डिजिट का नंबर जो होता है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह इसके अंदर। तो बारकोड रीडर जो होता है, ये एक हाई सेंसिटिव लाइट जो होता है, जनरली रेड कलर का लाइट जो होता है, इसको पास किया जाता है। ये इस लाइट का जो पोर्शन बारकोड पे गिरता है, ब्लैक पोर्शन पे जो गिरता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इससे एक पैटर्न प्रोड्यूस होता है जिसका अपना एक बैंडविड्थ होता है और उस बैंडविड्थ के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भरे होते हैं। इसके बाद जो अभी बहुत फेमस चल रहा है वो है QR कोड, जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड में
बारकोड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डाटा भरा रहता है। ये एक तरह का 2D बैकग्राउंड, ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड वाला एक थिन लाइन का इमेज होता है। इसको भी सेम प्रोसीजर से हम लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन इसका बैंडविड्थ जो होता है वो बहुत हाई होता है। इवन इतना हाई होता है कि इसमें इमेज वगैरह या फिर एक छोटा सा वीडियो भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्यू आर कोड। तो कुछ फेमस क्यूआर कोड है जैसे कि पेटीएम क्यूआर कोड या भारत क्यूआर कोड, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पेटीएम क्यूआर कोड जो है ये मनी ट्रांसफर ऐप है, क्यूआर कोड है। आइडेंटिफाई द यूजर एंड मर्चेंट, ये एक तरह का इसमें हम लोग यूजर और मर्चेंट दोनों आइडेंटिफाइड हो जाता है। इसमें मनी जो है वो डिपोजिट कर दिया जाता है क्यूआर कोड अकाउंट से, आरबीआई परमिशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। जबकि भारत क्यूआर कोड के लिए आरबीआई परमिशन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ये मेन पॉइंट है, आप याद रखिए। इसको डेवलप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत क्यूआर कोड को प्रोड्यूस किया, डेवलप किया। इट इज एन इंटर बैंक मनी ट्रांसफर एंड देयर इज नो नीड ऑफ डिपोजिट मनी इन अ क्यूआर कोड अकाउंट। क्यूआर कोड में अकाउंट डिपोजिट नहीं होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। इसमें मर्चेंट बैंक अकाउंट का आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज व्हाई इसमें आरबीआई का परमिशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा होता है हमारा होलो स्टोर, मतलब होलोग्राम स्टोरेज। ये एक तरह का ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है दैट क्रिएट्स स्टैटिक और मूविंग इमेज, जिसमें हम लोग का स्टैटिक या फिर मूविंग इमेज बनता है जब लाइट इसके ऊपर फॉल करता है। It may be a 3D storage system in QR code, or it may be even 2D storage system also. The advantage of holographic image, a QR code is decoded by light at different angles, used for creating an image of a product or an old park such as Jurassic Park. तो हम लोग ये सारे चीजों को 2D और 3D के format में store कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? इट इज अ रियलिटी इन वर्चुअल फॉर्म दैट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशलाइज डिवाइस की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम लोग 360 व्यू का एंगल हम लोग देख सकते हैं, एंड देन वो चीज हम लोग को रियल फील होने लगता है। इसका यूज जनरली गेमिंग या मूवी वर्ल्ड में किया जाता है, जैसे VR जिसको हम लोग कहते हैं। VR ग्लासेस आपको मिलते हैं जिसमें आप मोबाइल में लगा के देख सकते हो। VR वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको मोबाइल से पूरा एकदम रियलिटी का वर्ल्ड का लगेगा, आप रियली वहां पे प्रेजेंट हो, वैसा फील आपको देगा। इसके अलावा और एक टर्म है AR, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? एक ऑल्सो वर्चुअल इमेज बनाता है दैट कैन बी फिटेड और गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ रियलिटी फॉर एक्स होलो स्टोर और होलोग्राफिक इमेज। तो ये भी वर्चुअल इमेज है लेकिन ये होलोग्राफिक जो होता है फॉर्म में रहता है, जिसके वजह से इसका होने का आपको एकदम एहसास होगा कि आपके पास ही खड़ा है। ठीक है, इसको सिर्फ आप ग्लास के अंदर नहीं देख सकते, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में आप मोबाइल फोन के अंदर देख रहे हो, ये बाहर भी दिखेगा, बस उसको आप फील नहीं कर पाओ। तो जिसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो गूगल ग्लास, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, इसका यूज जो होता है बैंकिंग सिस्टम में किया जा सकता है या किया जाता है मैग्नेटिक इंक कोड को चेक करने के लिए, जैसे कि चेक्स, जैसे जो बैंक का जो चेक वगैरह होता है इस रीडर में डालता है, जिससे हम लोग का इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि उसका होम ब्रांच क्या है, इसके अलावा उसका ब्रांच अकाउंट नंबर क्या है और उसका बाकी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड सब कुछ वहां पे मिल जाता है। तो ये हाईली इंक्रिप्टेड डाटा होता है, इसको इजीली डिकोड नहीं किया जा सकता। आउटपुट डिवाइस में आप आ जाओ तो है मॉनिटर। सबसे पहला मॉनिटर, पहले ही बताया कि आपको तीन तरह के हो सकते हैं, LCD, LED और टच स्क्रीन। LCD स्क्रीन का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कैसे बनता है? यहाँ पे दो पैनल्स होते हैं, इन दोनों पैनल्स के बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन
पैनल भरा हुआ रहता है जिसमें सॉलिड या लिक्विड प्लाज्मा होता है जो लो टेम्परेचर पे होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और हीट की वजह से उसमें से लाइट रेडिएट होने लगता है। तो ये है फंडा आपका एलसीडी का। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका जो मेजर इश्यू है वो है हीटिंग। बहुत ज्यादा देर चलाने की वजह से आपका स्क्रीन जो होता है वो हीट होने लगता है, प्लाज्मा हीट होने लगता है, जिसके वजह से आपका स्क्रीन बर्न हो सकता है। इसको बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन सेवर, जिससे कि स्क्रीन को बचाया जा सके। और इसका एक और प्रॉब्लम है, हीट यूज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो बहुत हाई होता है। और एक इसका और बैड इफेक्ट है जो कि हाई क्वालिटी एचडी क्वालिटी का इमेज आप एलसीडी में नहीं बना सकते, इसके लिए आपको एलईडी चाहिए। इसके अलावा आईपीटीवी वगैरह जो है वो ये पॉसिबल नहीं। एलईडी जो है ये एक सिंगल स्क्रीन डिवाइस है जिसमें एलईडी पैनल जो होता है उसके पीछे लगाया है। इसमें एक और प्रॉब्लम जो हमारा उसमें था, एलसीडी में था, यहाँ नहीं होता है, जहां पे एलसीडी में आप 120 डिग्री से ज्यादा एंगल से देखोगे तो स्क्रीन ब्लैक दिखेगा, लेकिन एलईडी में आप किसी भी एंगल से देखो आपको स्क्रीन दिखाई जाता है। इसके अलावा इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है एलईडी, ठीक है, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज का बल्ब है इसके अंदर। इसके अलावा एचडी हाई डेफिनेशन टीवी, आईपीटीवी, क्वांटम डॉट डिस्प्ले, ये सब कुछ जो है इसमें पॉसिबल है और हीटिंग भी ज्यादा नहीं, इसी वजह से स्क्रीन बर्न भी यहाँ पे होने का चांसेस कुछ नहीं। सो एलईडी इज द बेस्ट। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रेजिस्टिव टच, एक होता है कैपेसिटिव टच। कैपेसिटिव टच जो होता है वो बेस्ट होता है, इज द बेस्ट। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि ये एक सिंगल स्क्रीन है जिसमें कंसिस्ट होता है हम लोग का बैटरी। बैटरी क्या करता है, प्रोवाइड चार्ज प्रोवाइड करता है स्क्रीन के ऊपर। जहां भी आप टच करते हो वहां का चार्ज रिमूव हो जाता है, और चार्ज रिमूव होने के वजह से वो पोर्शन जो स्क्रीन का होता है वो सेंस करने का। ये है कॉन्सेप्ट चार्ज टच स्क्रीन का, या फिर कैपेसिटिव टच स्क्रीन का। वहां पे चार्ज नहीं होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमें वहां पे टच सेंस करने लगता है। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसका क्विक रिस्पॉन्स जो है ये बहुत हाई होता है, ठीक है, इंस्टेंटली टच करो और इफेक्ट। पहले जो टच स्क्रीन आते थे वो होता था रेजिस्टिव टच, जो कि दो स्क्रीन का होता था। टॉप स्क्रीन एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता था, और उसके अंदर का जो बॉटम स्क्रीन होता है वो हाईली सेंसिटिव रेजिस्टिव सेंसिटिव रहता था। तो हम लोग को यहाँ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता था। आप जहां पे प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वहां का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से वहां पे हमारा पॉइंट सेंसिटिव हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को किसी तरह का स्टिक या फिर पेन वगैरह यूज करना पड़ता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका रिस्पांस बहुत स्लो है, जिसके वजह से और कभी कभी स्क्रीन जो होता है जहां पे हम यूज करना चाहते हैं वहां पे टच ना हो कहीं और प्रोड्यूस कर देता है, तो इट इज नॉट अ गुड चॉइस। अब हम लोग आ जाते हैं प्रिंटर्स में। सो प्रिंटर्स जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया, दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये डायरेक्ट टच टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पे जैसे कि टाइपराइटर में होता था कि पेपर और वो पोर्शन जो है वो सिमिलर टच में होना चाहिए, ठीक है, एकदम डायरेक्टली टच में होना चाहिए। प्रिंटिंग हेड और पेपर आपस में टच में रहता है। इसमें फिक्स्ड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जो है वही प्रिंट हो सकते हैं। इंक ब्लोट्स, इमेज क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड, ये सारे इसके डिमेरिट्स है। इसके अलावा ये बहुत स्लो भी होता है। सबसे फेमस जो इम्पैक्ट प्रिंटर था वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि आप किसी बिलिंग सेंटर, पुराने बिलिंग सेंटर में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे वहां पे, जहाँ पे एक रिबन होता था, एक रिबन होता था कलर का, और उसको पेपर पे प्रिंट किया जाता, प्रिंटिंग हेड के थ्रू प्रिंट किया जाता, ठीक है। ये सबसे ज्यादा फेमस हम लोग का इम्प्रिंटर। तो लेकिन ये जो है ये बहुत ही पुराना टाइप का प्रिंटिंग है, और ये चीप होता है, सस्ता होता है, इमेज क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन
इसको डॉट प्रिंटर के यूज नहीं करते। इसके बाद जो हमारा आया वो है आपका मैट्रिक्स डॉट प्रिंटर, उसमें थोड़ा फास्ट हुआ था, इमेज क्वालिटी थोड़ा सुधारा गया, लेकिन जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है प्रिंटिंग वर्ल्ड में है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो फोटोकॉपी मशीन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का कोई जरूरत नहीं है पेपर और प्रिंटिंग हेड का। यहाँ पे इंक जो है इसको गाइड किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू एंड देन इट ड्राइड। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंट जो हम लोग का जेरोक्स मशीन होता है वो कैसे काम करता है। आपका जो इमेज होता है ऊपर रखा जाता है, उसका ही नीचे पेपर पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, हाई एंड लो चार्ज डिपॉजिट, और इस चार्ज पे हमारा जो पेंट है वो आके चिपक जाता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट का कॉन्टेक्ट नहीं होता है और ये बहुत फास्ट हो जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बेटर प्रिंटिंग करता है देन। इसके अलावा इसमें नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है वो भी प्रिंट किए जा सकते। मोस्ट फेमस इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो है इंकजेट प्रिंटर, बट रिसेंटली जो लेजर प्रिंटर है वो और भी ज्यादा फेमस हो गया, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक गाइडिंग के तौर पे काम करता है। इसके अलावा जो लेजर जो होता है वो स्ट्राइक करता है सॉलिड इंक। इसके बाद हम लोग आते हैं 3D प्रिंटर्स में। तो आपने सुना होगा 3D प्रिंटर्स क्या होता है, इससे कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जो होता है हमारा मैन्युफैक्चर जो हम लोग करते हैं, जैसे अभी का इसका शुरुआती तौर पे टॉयज वगैरह या फिर कुछ छोटे छोटे सामान जो होते हैं उनको बनाने का शुरुआत किया जा रहा, बट दुबई जो है दुबई ने अनाउंस कर दिया है कि इन फ्यूचर उनके सारे बिल्डिंग जो है वो 3D प्रिंटिंग से बने। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है प्रिंटिंग वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होता है 3D प्रिंटिंग के थ्रू सारे मटेरियल्स को हम लोग प्रिंटर के थ्रू सही अमाउंट में पुट करते हैं और वहां से हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो प्रिंट होकर आ जाता है। अब हम लोग थोड़ा आ जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दो पार्ट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ALU आप जानते हो, बेसिक कंप्यूटर में आप पढ़े हो। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मतलब यहाँ एलजेब्रा होता है एंड लॉजिक यूनिट मतलब एंड और नॉट वगैरह ये सारे यूनिट काम करते हैं। मेमोरी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं रैम में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है ये टेम्पोररी मेमोरी होता है, या फिर इसको हम लोग क्विक मेमोरी भी कहते हैं या वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम है। ये कंप्यूटर में किस काम में आता है, ये कंप्यूटर का कैसे मेमोरी के फॉर्म में काम में आता है, जहां पे बहुत फास्टली इसका एडवांटेज ये होता है कि क्विक रिस्पॉन्स होता है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा जो है वो प्राइमरी स्टोरेज रैम में लाया जाता है और फिर इसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाता है, एज सिंपल एज दैट। वही चीज यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर। सबसे पहले कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज जो स्लो होता है, यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज रैम में लाया जाता है, रैम जो है इसको ALU के पास भेजता है और ALU इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो रैम जो होता है ये एक तरह का टेम्पोररी मेमोरी, काम हो गया मेमोरी इरेज कर दो। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा होता है वो है जैसे कि फ्लॉपी। फ्लॉपी आप देखे होंगे, बहुत ही पुराना छोटा छोटा ब्लैक कलर का मिलता था, इसमें एक छोटा सा मैग्नेटिक टेप रहता था जिसको हम लोग मैग्नेटिक सिग्नल्स कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता था। एंड इसमें सब बहुत बड़ा, इसमें बहुत ही छोटा इसका डाटा होता था, कुछ MB तक हम लोग इसमें स्टोर कर सकते थे। इसके अलावा बाद आया CD। CD जो है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कि प्लास्टिक डिस्क होता है, उसके ऊपर लेयर होता है एल्यूमिनियम का प्लेस किया जाता है। एल्यूमिनियम लेयर इज मेड हाईली पॉलिश्ड। इन CD ड्राइव देयर इज अ हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट that fall in red color wavelength and this color laser create a series of pits and planes surface that act as a digital system of 0 and 1। simply agar main batau to ek plastics ke upar yahan pe aluminium rehta hai, is aluminium pe laser jata hai, kahin dot banata hai kahin plane rakhta hai, kahin dot banata hai kahin plane rakhta hai।
ये डॉट्स जो है ये जीरो और जो प्लेन सरफेस है वो वन का एक पैटर्न बना देता है, और इस पैटर्न को हम लोग रीड करते हैं, एज सिंपल एज। तो जब इसको वापस रीड किया जाता है तो जो डॉट वाले पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, और जो साइनी सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करता है, और उससे हमारा डाटा रीड होता है और उसको हम लोग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आया हमारा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी। डीवीडी भी जो है वो लेजर लाइट जो होता है लोअर वेवलेंथ का यूज करता है, और इसमें नो ज्यादा नंबर ऑफ पीट्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है बढ़ गया था 3 to 4 GB तक हो गया। इसके बाद आया ब्लू रे डिस्क। इसमें क्या हुआ, वेवलेंथ जो है वो लेजर लाइट का ब्लू कलर का वेवलेंथ आपको पता होगा 400 नैनोमीटर के आसपास होता है, तो और रेड कलर का 700 नैनोमीटर या 600 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो आप सीडी में ये यूज करते थे, हम लोग ब्लू रे डिस्क में 400 नैनोमीटर का लेजर यूज करते हैं। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, इसमें और ज्यादा पिट्स बना सकते हैं, और ज्यादा अगर आपका इसका पिट्स बनेगा तो और ज्यादा इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा आपका डॉट बनेगा उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो जो हमारा रेड कलर था वो डॉट बड़ा बड़ा बना रहा था इसलिए कम बन रहा था, और ब्लू कलर जो है वो डॉट छोटा छोटा बना रहा है ड्यू टू लेजर वेवलेंथ, सो कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसका वीडियो क्वालिटी भी बहुत हाई होता है, और इसका मैक्सिमम स्टोरेज जो होता है 8 GB तक हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि एक है पेन ड्राइव, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, या हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब कुछ ही फ्लैश ड्राइव का एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट जो होता है वो चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल के फॉर्म में होता है, और नैंड गेट मेकर नैंड गेट अलोंग विथ यूएसबी ड्राइव, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह नैंड गेट बनाता है यूएसबी ड्राइव के साथ। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को पढ़ा के यहाँ पे खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोबाइल से नेटवर्किंग को और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी और सिस्टम सिक्योरिटी क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स को बचाता है तरह तरह के मेलवेयर से, वायरसेस से। सो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, हम लोग जब नेटवर्क इंटरनेट वगैरह चलाते हैं उस वक्त फिशिंग, विशिंग और स्पूफिंग, ये तीन टर्म आप याद रखना। फिशिंग विशिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बता दिया है। स्पूफिंग क्या होता है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इन सब चीजों से बचाने के लिए जो चीज काम में आता है वो होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट करते वक्त जो काम में आता है। ये क्या होता है, एक मल्टी लेयर होता है जिसमें प्रोटेक्शन का, जिसमें हर एक लेयर एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट करता है, और इस लेयर को हम लोग सिक्योरिटी सॉकेट लेयर भी कहते हैं, SSL। स्पूफिंग क्या होता है, इसमें एक सिंपली बोला जा सके तो इम्पर्सनलिंग होता है एक अदर सिस्टम को या अदर पर्सन को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डाटा को गेन करने के लिए, या फिर नेटवर्किंग के ऊपर इसका डाटा को पूरा मैनेज करने का, खुद मैनेज करने का एडवांटेज लेने को स्पूफिंग कहा जाता है। तो स्पूफिंग से बचने का सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि आप रेगुलरली पासवर्ड चेंज वगैरह करते रहिए। और फिशिंग विशिंग से बदलने का ये मतलब है अनवांटेड मेल जब भी आपके पास आए उसको ब्लॉक कीजिए, उसको स्पैम लिस्ट में डाल। सिस्टम सिक्योरिटी क्या होता है, ये एक तरह का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है, या फिर आपका फायरवॉल हो सकता है, जो कि हम लोग का सिस्टम सिक्योरिटी का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करता है, एक तरह का वॉल का काम करता है, ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से बाहर जाने देगा, ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर आने देगा। इसके अलावा कोई इंटायर प्रोग्राम या फिर कोई एक फाइल पूरा ही अगर करप्ट होता है उसको ये पकड़ के उससे पूरा कंप्यूटर को बचा देता है, उसको अलग से इनकाउंटर करता है। ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों ही हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल फोन एंड इट्स जेनरेशन, टेक्नोलॉजी एंड देन नेटवर्किंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।